इधर उतर लेते हैं मेरठ का एक बार फिर से सनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनुज, अगर हम बात करें मूड की तो जनता के बीच इस वक्त आप हैं, क्या क्रांतिकारियों की धरती से मूड बन रहा है, आसपास की सीटों पर क्या मिजाज दिख रहा है? देखिए, पब्लिक का अलग अलग मिजाज है, चूंकि क्रांति का शहर है, 1857 की क्रांति का शहर है। यहाँ से ऐसी अंग्रेजों के खिलाफ ज्वाला फूटी थी कि देश को आजादी मिली। दूसरी बात ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अपनी गन्ने की मिठास के लिए जाना जाता है। लोगों की जो जुबान है वो थोड़ी कड़वी कही जाती है, लेकिन दिल के बड़े मीठे होते हैं। मेरठ या आसपास के लोगों की बात करें, चीनी मिले हैं, पूरी दुनिया का मुंह मीठा कराता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जब बकाए गन्ने का भुगतान नहीं होता, किसानों की खून पसीने की जो कमाई है उसको बेसहारा और आवारा पशु खा जाते हैं, तो यही किसान के दिल में दर्द उभर आता है। और ये दर्द अब कितना है, क्या किसान सोच रहा, बात कर लेते हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, आप ये बताइए, चुनाव नजदीक है, आपके मन में क्या है, क्या सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर, सामने देख के बात कीजिए। गठबंधन, वजह बता दी। वजह मैं बता रहा हूँ, पिछले 5 सालों में जो वर्तमान विधायक हैं बीजेपी के, सतवीर त्यागी जी, हमने उनकी सिकली नहीं रखी, काम तो वे कराते क्या। दूसरे बात, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं श्री शाहिद मंजूर साहब, उन्होंने हमारे गांव में एक इंटर कॉलेज दिया, एक हॉस्पिटल बनवाया, एक बिजली घर लगवाया, और एक जो हमारे गांव की धरोहर थी जिसे हम गड़गज के नाम से बोलते हैं, उसका जीर्णोद्धार कराया, सौंदर्यकरण कराया। तो हमारे यहां तो जो भी कराया शाहिद मंजूर साहब ने कराया। देखिए, ये थोड़ी शिकायत ज़रूर मिल रही है कि बीजेपी को कुछ विधायक ऐसे रहे जो इलाके में आके नहीं झाँके हैं, और इसकी नाराजगी लोगों की जुबा पर नजर आ रही है। और यही चीजें 10 फरवरी को जो पहले फेज का वोट होगा उसको काफी उस तक प्रभावित कर सकती है। कुछ और लोग भी, उनसे भी बात करूंगा। ताऊ जी, क्या बात है, बिल्कुल कंबल उम्बल में बैठे हो, बता दीजिए क्या है। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, भैया सपा को देनी पड़ेगी राहत तो। अच्छा, क्यों देनी पड़ेगी? एक बीघा उड़दते गाय खागी, यही खागी कहाँ से लाऊंगे। बकाए गन्ने का भुगतान हो गया? भुगतान तो हो रहा। भुगतान हो रहा है? हाँ, भुगतान। दिक्कत थी क्या? ना, पहले भी ना थी दिक्कत तो। अच्छा, ना अब? अच्छा, पूरा हो गया? हाँ, 2 दिन आके पीछे आई जा। अच्छा, आ जाता। देखिए, लोगों की आपने बात सुनी, बकाए गन्ने का जो भुगतान है वो हो रहा है, कुछ दिनों की पेमेंट जरूर है, कि जो हफ्ते 10 दिन पहले जो गन्ना चीनी मिलों पर डाला गया उसका भुगतान होना बाकी है, जबकि बाकी भुगतान हो चुका है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम किसान इस बात को लेकर परेशान रहते हैं, चूंकि खून पसीने की कमाई है, पूरे साल किसान मेहनत करता है लेकिन उसका बकाए गन्ने का भुगतान ना हो तो किसान को तमाम दिक्कतें उठानी पड़ती है। ये सबसे बड़ा जो हॉट टॉपिक है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश का यही है। तमाम लोगों की आपने बात सुनी, और देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की मैं बात करना चाहूँ। देखिए, जाट लैंड के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है जहाँ जाट वहाँ होंगे ठाट, और ये ठाट किसके होंगे ये भी तय करेंगे मतदाता। तमाम नजरें टिकी हुई है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की पहले फेज का जो चुनाव है, आखिर ये मतदाता किसको मजबूती से करेगा, क्या साइकिल दौड़ेगी, क्या नल से पानी निकलेगा, या फिर इस बार कमल खिलता नजर आएगा तमाम पार्टियों का। उसके बाद अब यहाँ के लोगों का जोर किस पार्टी को लेकर है ये लगातार नजर रहेगी, और वहाँ के लोग भी यही बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सनोज, पूरी जानकारी वास्ते देने के लिए, ग्राउंड से देने के लिए। अब नीतीश पांडे का रुख कर लेते हैं। नीतीश, पूर्वांचल का हाल आप